दोस्तों, अगर आप लोग भी बैटल रॉयल के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश कर रहे हो और उसमें रैंक पुश करने के लिए भले ही आप लोग कोई सा भी कैरेक्टर यूज कर रहे हो, लाइक क्रोनो हो गया, वुकोंग हो गया, आयरिस हो गया, फिर कोई सा भी कैरेक्टर हो गया, आज के इस वीडियो के अंदर आपको सभी कैरेक्टर्स का बेस्ट कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा, क्योंकि ये है हमारा सब्सक्राइबर कॉम्बिनेशन सीरीज का सीजन 4 एपिसोड 5। तो जो भी लोग न्यू है उनको बता दो कि भाई इस सीरीज के अंदर हम लोग अपने सब्सक्राइबर्स के कॉम्बिनेशन को पहले खुद यूज करते हैं और फिर लोगों के साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि भाई कौन से कॉम्बिनेशन को उनको यूज करना चाहिए और कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर इंप्रूवमेंट। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपका भी कॉम्बिनेशन हमारे वीडियो के अंदर आए, तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालू सब्सक्राइबर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले कमेंट करना है। दैट्स इट। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो के अंदर मैं एम रखता हूं 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स का, देखता आप लोग कंप्लीट करवा पाते हो या फिर नहीं। और हां, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो और बात करते हैं आज के हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन के बारे में, जहां पर ये भाई यूज करते हैं CR7 प्लस वुल्फ्रा प्लस लियोन प्लस एंटोनियो के एबिलिटी को। सो इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद भाई मुझे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक से लगा। इस वाले कॉम्बिनेशन के अंदर मुझे एक अटैकिंग कैरेक्टर की कमी लग रही थी, मतलब कि यहां पर आप लोग वुल्फ्रा, लियोन या फिर एंटोनियो, इन तीनों में से किसी को भी हटा सकते हो और उसके जगह पर आप लोग हयातो या फिर लूना को ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट बन जाएगा। बाकी अगर आप लोग मेरी मानो तो यहां से आप लोग लियोन को हटा सकते हो और उसके जगह पर आप लोग हयातो या फिर लूना को यूज कर सकते हो, क्योंकि लियोन एचपी रिकवर करने में काफी टाइम लगाता है जो कि शॉर्ट रेंज के अंदर उतना यूजफुल नहीं है। उसके जगह पर आप लोग इनहेलर यूज कर सकते हो जो कि आपका एचपी रिकवर कर देगा और बाकी जो वुल्फ्रा और एंटोनियो है वो काफी यूजफुल कैरेक्टर है, उसको आप लोग रिमूव मत करना। सो अगर आपको बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के लिए क्रोनो कैरेक्टर को यूज करना है तो आप इस छोटे से चेंज को करने के बाद इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। अब जो आज का हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके अंदर ये भाई यूज करते हैं के प्लस मारो प्लस मिशा प्लस लुकेटा के एबिलिटी को। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वैसे तो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, इससे आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट भी कर सकते हो, सर्वाइव भी कर सकते हो और साथ में आप लोग व्हीकल्स का भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप लोग व्हीकल्स का यूज करते हो ना, तो भाई वहां पर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट ज्यादा करते हो, लॉन्ग रेंज फाइट नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको मारो को यूज नहीं करना चाहिए, उसके जगह पर आप लोग लूना या फिर हयातो को यूज कर सकते हो। बाकी ये मेरा परसेप्शन है, जब मैंने इसको यूज किया था मुझे ये फील हुआ था, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा करते हो साथ में व्हीकल्स का यूज करते हो तो डेफिनेटली आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को भी यूज कर सकते हो। मतलब कि भाई ये आपको डिसाइड करना है कि गाड़ियों का यूज करते टाइम आपको शॉर्ट रेंज फाइट ज्यादा करना है या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करना है। अगर लॉन्ग रेंज फाइट करना है तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है, कोई चेंज मत करना। और वहीं अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करते हो तो यहाँ पर आप लोग मारो को हटाकर लूना या फिर हयातो को यूज कर लेना। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है उसमें ये भाई यूज करते हैं आयरिस प्लस नायरी प्लस रफाइल प्लस लुकेटा के एबिलिटी को। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये आज के टाइम पे काफी यूजफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब मैं रैंक पुश कर रहा था तो काफी सारे बंदे भाई आयरिस कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज कर रहे थे, इसको देखकर भाई मैंने भी आयरिस कैरेक्टर को यूज करना स्टार्ट कर दिया और मुझे भी भाई काफी बढ़िया बेनिफिट मिला। बाकी अगर आपको जानना है कि ग्रैंड मास्टर करने के लिए मैंने कौन कौन से कॉम्बिनेशन को यूज किया तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो भाई ये भी एक काफी इंप्रेसिव कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर जो नायरी की एबिलिटी है वो आपके ग्लू वॉल के ड्यूरेबिलिटी को रिस्टोर करेगा, साथ में आपका एचपी रिकवर करेगा, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज के अंदर भी काम आता है। कैसे, आपको समझाता हूं। तो जब भी एनिमी शॉर्ट रेंज के अंदर आए तो वहां पर आप लोग खुद के ग्लू वॉल को लगाकर आयरिस की एबिलिटी को ऑन करके एनिमी को अपने ग्लू वॉल के आर पार डैमेज दे सकते हो, जिससे कि आपको बिल्कुल डैमेज नहीं पड़ेगा, आपका ग्लू वॉल भी नहीं फूटेगा और एनिमी भी काफी इजीली खत्म हो जाएगा। और बाकी जो लुकेटा है वो आपका एचपी इंक्रीज कर देगा और रफाइल आपके मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर के अंदर साइलेंसर लगा देगा, जिससे कि आप लोग एनिमीज को छुप छुप कर काफी इजीली मार सकते हो। और अगर एनिमी बचने के लिए ग्लू वॉल लगाता है तो वहां पर सिंपली आयरिस की एबिलिटी को ऑन करना और ग्लू वॉल के आर पार मार के उसको इजीली कंप्लीट कर देना। सो अगर आप लोग रैंक पुश कर रहे हो तो भाई ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, आपके काफी काम आने वाला है, क्योंकि आजकल काफी सारे बंदे डिमिट्री सोनिया यूजर्स है, साथ में जो बंदे हैं वो एक दो गोली के बच जाते हैं, तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो आपके काफी काम आने वाला है। सो इसके बाद जो अगला कमेंट है वहां पर ये भाई का कहना है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बो, जहां पर ये भाई यूज करते हैं तसुया प्लस हयातो प्लस वुल्फ्रा प्लस लुकेटा के एबिलिटी को। अब ऑनेस्टली बताऊं तो भाई जब मैं इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा था मैं डर रहा था कि भाई अगर मैं रस करूंगा तो मैं मर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैंने इस कॉम्बिनेशन को यूज किया तो भाई क्या ही तो रिजल्ट मिला मुझे। मतलब भाई एक तो यहाँ पर रस करने के लिए आपको तसुया, हयातो और वुल्फ्रा का एबिलिटी मिलता है, साथ में आपको लुकेटा का भी एबिलिटी मिल जाता है, मतलब कि आपका जो एचपी है वो 280 का है। मतलब कि अगर भाई आप लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छे से यूज कर लिया ना, तो भाई लिटरली एनिमीज रो देंगे, मतलब इतना बढ़िया रसिंग कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी एक रसर हो, फुल मैप के अंदर फुल रस गेम प्ले करके रैंक पुश करते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। अब जो आज का हमारा पांचवा कॉम्बिनेशन है वहां पर ये भाई यूज करते हैं के प्लस मिशा प्लस मारो प्लस रफाइल की एबिलिटी। अब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना भाई, ये ऑलमोस्ट सेकंड वाला कॉम्बिनेशन जैसा ही है, यहाँ पर बस आपको रफाइल की एबिलिटी मिल जाता है, उसमें आपको लुकेटा का एबिलिटी मिलता था। तो इसमें भी मैं सेम चीज कहूंगा, अगर आप लोग व्हीकल्स का यूज करते हो और लॉन्ग रेंज फाइट करते हो तो देन ये वाला कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। वहीं अगर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करते हो तो थोड़ा बहुत आप लोग चेंजेस कर लेना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब जो अगला कॉमेंट है वहां पर सबसे पहले भाई बोलते हैं भाई मेरा कॉम्बिनेशन ले लो अपने वीडियो में एक बार, तो भाई ले लिया, इसी बात पे
वीडियो को लाइक कर देना। और जो कॉम्बिनेशन है वो भाई यूज करते हैं के प्लस लूना प्लस रफाइल प्लस इलीट एंड्रू को। अब क्योंकि आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर इलीट एंड्रू का एबिलिटी मिलता है तो इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो आपको स्क्वाड के अंदर मिलेगा। और स्क्वाड के अंदर अगर आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो भाई लिटरली आपको इससे काफी बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आपके टीम के चारों मेंबर्स के पास इलीट एंड्रू का एबिलिटी होता है तो भाई आपके ऊपर काफी ज्यादा कम डैमेज पड़ता है। और यहाँ पर आपको हाई रेट ऑफ फायर के लिए लूना का भी एबिलिटी मिल जाता है जिससे कि आप लोग फाइट को काफी इजीली निकाल सकते हो। और यहाँ पर जो रफाइल की एबिलिटी है उससे अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स को यूज करते हो तो आप लोग साइलेंटली एनिमी को काफी इजीली मार सकते हो। तो अगर आप लोग स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करते हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए काफी यूजफुल कॉम्बिनेशन होने वाला है। और वहीं अगर आप लोग सोलो में यूज करने का सोच रहे हो तो यहाँ पर आप लोग चाहो तो इलीट एंड्रू की एबिलिटी को भी यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर आप लोग हयातो वुल्फ्रा या फिर लुकेटा को भी यूज कर सकते हो। ओके, सो अब जो अगला कॉम्बिनेशन है वहां पर तीन भाई ने भाई ऑलमोस्ट सेम कॉम्बिनेशन बताया जहां पर एक भाई लूना यूज करते हैं, एक भाई एंटोनियो यूज करते हैं और एक भाई मारो यूज करते हैं। बाकी पूरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम। अब सच बताऊं तो भाई रैंक पुश करने के लिए मैंने इसी कॉम्बिनेशन को मैक्सिमम टाइम यूज किया था जहां पर कभी कभार मैं लूना यूज कर रहा था, कभी कभार मैं एंटोनियो यूज कर रहा था और कभी कभार मैं मारो को यूज कर रहा था। और लिटरली बताऊं तो भाई मुझे इस वाले कॉम्बिनेशन से काफी बढ़िया बेनिफिट मिला रैंक पुशिंग करते टाइम। और अगर आपको भी जानना है कि भाई आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करके कैसे रैंक पुश कर सकते हो तो इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको इन तीनों में से मतलब लूना एंटोनियो और मारो में से कोई एक पिक करना है तो लूना और एंटोनियो मेरा पिक रहेगा। बाकी होमर लुकेटा और जो मोको का एबिलिटी है वो एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप लोग भी सोलो में रैंक पुश कर रहे हो, डुओ में रैंक पुश कर रहे हो या फिर स्क्वाड में रैंक पुश कर रहे हो आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को भी एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो अब जो अगला कमेंट है वहां पर भाई बोलते हैं भाई सोलो में तो डिमिट्री सोनिया लूना और नायरी को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है और अगर कोई चेंजेस करना हो तो वीडियो में बोल देना। अब नो डाउट भाई आज भी काफी सारे बंदे सोलो में रैंक पुश करने के लिए इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं और इससे उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। और अगर आप लोग भी रैंक पुश करना चाहते हो इस वाले कॉम्बिनेशन से तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसको आप लोग तभी यूज करना जब आप लोग पहले से ही सोनिया और डिमिट्री को यूज करते आ रहे हो। क्योंकि मैं सोनिया और डिमिट्री को यूज नहीं करता हूं तो मुझे इस कॉम्बिनेशन का उतना बढ़िया बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन अगर आप लोग यूज करते हो तो डेफिनेटली आप इस वाले कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। सो अब जो आज का हमारा सेकंड लास्ट कॉम्बिनेशन है उसमें ये भाई यूज करते हैं वुकोंग प्लस रफाइल प्लस लूना प्लस लुकेटा के एबिलिटी को। और जैसा इन्होंने बोला है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज फाइट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है तो नो डाउट भाई ये जो कॉम्बिनेशन है इससे आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट भी काफी बढ़िया कर सकते हो और शॉर्ट रेंज फाइट के अंदर भी आप लोग काफी इजीली फाइट्स को निकाल सकते हो। क्योंकि यहां पर आपको लॉन्ग रेंज के लिए रफाइल का एबिलिटी मिल जाता है, शॉर्ट रेंज के लिए वुकोंग और लूना का एबिलिटी मिल जाता है और लुकेटा आपका एचपी इंक्रीज करता है तो ये आपको लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों जगह काम आएगा। तो अगर आप लोग वुकोंग कैरेक्टर को यूज करके फुल मैप के अंदर रैंक पुश करते हो तो मेरे ख्याल से भाई ये वाला कॉम्बिनेशन एक ऑलराउंडिंग कॉम्बिनेशन है जिसको आप लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब जो आज का हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन है उसमें ये भाई यूज करते हैं एक्सेन प्लस एंटोनियो प्लस सानी प्लस मैक्सिम के एबिलिटी को और लोड आउट के अंदर सीक्रेट ग्लू। अब अगर आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करते हो ना तो भाई आप अपने एचपी को 370 तक लेके जा सकते हो। मतलब कि आपका जो एचपी होगा वो 370 का होगा और एनिमी के पास 200 का हेल्थ होगा तो जब भी आप लोग फाइट करोगे तो वहां पर डेफिनेटली ये आपके काफी काम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिम का एबिलिटी यूज किया है ना यहाँ पर आप चेंज कर लेना, यहाँ पर इसकी जगह पर आप लोग हयातो या फिर लूना को यूज करना जिससे कि शॉर्ट रेंज के अंदर आपको और बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको लॉन्ग रेंज फाइट और शॉर्ट रेंज फाइट दोनों ही जगह के लिए कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ पर आप लोग लुकेटा को ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका एचपी 50 और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि आपका जो एचपी है वो 420 का हो जाएगा। अब भले आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट करो या फिर लॉन्ग रेंज फाइट करो वहां पर अगर आपका एचपी 420 का होगा तो आपको कौन ही हरा पाएगा भाई। सो ये थे गाइस आज के हमारे टॉप 10 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर बीआर रैंक जिसको आप लोग न्यू सीजन के अंदर डेफिनेटली यूज कर सकते हो जहां पर जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया और जिनके अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो भी आपको मैंने बता दिया। बाकी जैसा आपसे मैंने पूछा कि भाई अगर आपको भी जानना है कि बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के लिए मतलब ग्रैंड मास्टर तक जाने के लिए मैंने कौन कौन से कॉम्बिनेशन को यूज किया था, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना और जो लाइक है M1 के लाइक्स का उसको कंप्लीट कर देना। बाकी ये वीडियो यही तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना और ऐसे और भी कमाल के वीडियोस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर देना हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए।